हेलो फ्रेंड्स, गुलमर के ब्लॉग 2 में आप लोगों का स्वागत है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं। वाह, पीछे का व्यू देखो, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से पूरा व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मौसम हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे जो हम टॉप पे आ गए हैं, हवा बहुत तेज और ठंडी हवा है। आप देखिए यहाँ का मौसम। एक बार जरूर इस कश्मीर की वादियों में आए, क्योंकि यहाँ पे जो सुकून मिल रहा है ना, वो कहीं नहीं है। लेकिन जब भी आए, पूरी तैयारी के साथ आए यहाँ पर। और हम लोगों ने वैसे शूज़ खरीदे थे यहाँ पर, तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। खाली मुझे लगता है कि पैसा वेस्ट है। लेकिन क्या होता है ना, कि जब हम फर्स्ट टाइम कहीं जा रहे होते तो लोग वहाँ पर इतना हमें डबल माइंड कर देते कि आगे जाके क्या होगा। तो हम लोगों ने भी इसी वजह से शूज़ ले लिए थे। बट यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही, इजीली आप हर जगह से जा सकते हैं बिना शूज़ के भी। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं LOC के नियर अबाउट। ये देखें पीछे, आप जो देख रहे हैं पूरा बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़, इसे कहते हैं LOC। इसके बैक साइड में आई थिंक पाकिस्तान है। और यहाँ का जो मौसम है, अभी मुझे लगता है -7-8 के आसपास होगा। हमने ग्लव्स पहने हुए सब कुछ किया हुआ है। बहुत ठंडी हवा चल रही है और सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी चीज़ है, आप चारों तरफ आप अपना फेस घुमा के देखेंगे, हर जगह आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। और यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा। अब इधर देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आर्मी टीम बैठी हुई है। यहाँ पे इनके लिए कितना मुश्किल, कितना टफ है यहाँ पे रहना, इतनी बर्फ़ के बीच, इतने माइनस टेम्परेचर में। हम लोगों को 5 मिनट में इतने ठंडा हो, ठंड लग गई है। इन लोगों की हालत सोचिए कैसी होगी। तभी तो हम लोग आर्मी को सैल्यूट करते हैं, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। और वहाँ पे हमारा झंडा लगा हुआ है, विजय झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। चलो हम उसके पास चलते हैं, वहाँ से नियर अबाउट और जो लोकेशन आती है उसको दिखाते हैं। चलिए, ठंड में अपने आप को पूरा जादू की तरह पैक कर दिया है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप, स्टाइल में रहने वाले लोगों ने टोपी जैकेट सब पहन लिए मेरे अलावा। लेकिन यहाँ पे मज़ा उतना ही आ रहा है जितना देखने में लग रहा है आप लोगों को। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। ये हमारी इंडियन आर्मी की LOC। ये हम पहुंच चुके हैं अपने इंडिया आर्मी के पास। हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल पास, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ की बर्फ बिल्कुल अभी कहते हैं नई बनी हुई है, जमी हुई है, क्योंकि पैर डालते ही ना बिल्कुल फ्लफी सा हो रहा है, पैर हमारा बिल्कुल अंदर को चले जा रहा है। ऊपर जो हम देख रहे थे बर्फ, वो बर्फ़ जमी हुई थी, बिल्कुल ठोस थी, हार्ड थी। ये बड़ी सॉफ्ट है, आप देखिए मेरा पैर नीचे करते ही, आप देखेंगे, ये देखिए पैर बर्फ के अंदर पूरा अंदर चले जा रहा है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है अभी बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ की चीज़ें जो दिखने को मिल रही है, यहाँ मैक्सिमम लोग नहीं आ रहे हैं बिकॉज ठंडा इतना है। हमारे घर से भी हम लोग आए हैं। बाकी आप इस व्यू को देखिए, इस व्यू को देखने के बाद आपको कुछ भी देखने का मन नहीं करेगा। ये जगह ऐसी है, यहाँ रह नहीं सकते, बट यहाँ रहने का मन सबका करेगा। ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा
बर्फ। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे पैरों को बर्फ, ये देखिए अंदर ही चली गई मैं, ये देखिए। तभी कहा था ये बर्फ अभी की है एक्चुअली, तो लेकिन ये हाथ से नहीं उठ रही है। ओह यस, चलो वहां चलो जाएं। और हम जा रहे हैं ईशु के पास। ईशु हाँ वेट, अब हम खेलेंगे बर्फबारी से। ये हमारी चल रही है बर्फ। अच्छा हाँ, फोड़ के पहले थोड़ा खुरखुरा करो। हाँ ऐसे मत करना यार, ये नहीं कर रही। ये देखो ये आई नहीं रहा तुम्हारे तक तो आई नहीं रहा। चलो स्टार्ट हो गई है। चलते चलते ही मिल गया। आई लव गुलमर्ग, इधर को आ जा। सब बोलो गुलमर, ये जा रहे थे बज गया फोन। सारे बोलो ना, वो एक फोटो खींचेगा यहाँ से, ऐसे उड़ाते हो यहाँ पे, अच्छी उड़ रही है। हेलो सी गुलमर्ग बोलो, गुलमर्ग आई लव, सब बोलो आई लव गुलमर्ग। ये हाँ ठंड हो गई, फोन की बैटरी चल जाएगी। इसु भाई एक वो वैसा फोटो खींच यार, ये थोड़ा जाने इसु बचेगा, जाना रुको। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ठंडा हो चुका है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे और थक भी चुके हैं नीचे से ऊपर आने में। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन में। ओके बाय बाय, तब तक आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, आगे में कुछ चीज़ें दिखाती रहती हूँ। उफ बोला भी यार, हे प्रभु, ये हम वापसी की ओर जा रहे हैं प्रभु। हे प्रभु जगन्नाथ, ऐसा क्या बहुत चढ़ गया है यार, ट्रैकिंग के लिए आए होंगे भाई, और वो बंदा ही ले जा रहा है उनको। बंदूक से डरना मत भाई, बस तुम लोग बाकी तो ठीक है।